दिल्ली मेयर के चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा मनोनीत सदस्य वोट नहीं कर सकते, 24 घंटे के भीतर चुनाव करवाने को अधिसूचना जारी हो, चुना हुआ मेयर कराएगा डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सीलबंद लिफाफे में सुझाव लेने से इंकार, कहा सरकार की कमेटी नहीं चाहिए, एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों के चुनाव पर फैसला 3 जजों की बेंच करेगी। भिवाड़ी हत्याकांड मामले में ओवैसी का बड़ा बयान, कहा जुनैद और नासिर की हत्या के पीछे गैंग है, आरोपी को बीजेपी का संरक्षण। हरियाणा के भिवाड़ी में कार में मिले 2 कंकाल, भरतपुर के नासिर और जुनैद के रूप में मृतक की पहचान, परिवार ने बजरंग दल के कार्यकर्ता मोनू मानेसर समेत 5 पर जिंदा जलाने का आरोप लगाया। पुलिस को नहीं मिल रहा फरार मोनू मानेसर, लेकिन TV9 भारतवर्ष से बोला घटना से मेरा लेना देना नहीं, पुलिस जांच कर रही है। भिवाड़ी हत्याकांड में मोनू मानेसर समेत 5 बजरंग दल के कार्यकर्ता के खिलाफ केस दर्ज, हिरासत में लिया गया 1 आरोपी, बाकी की तलाश जारी। भिवाड़ी कांड के आरोपी मोनू मानेसर का फायरिंग करते हुए 6 फरवरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, इस मामले में भी पुलिस ने दर्ज किया था हत्या के प्रयास का केस। हरियाणा में 2 लोगों के कंकाल मिलने के बाद शुरू हुई राजनीति, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा हरियाणा को बनाया जा रहा नफरत की फैक्ट्री। सांसदों के साथ ऑनलाइन बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का निर्देश, विवादित और धार्मिक मुद्दे पर ना दें बयान। नीतीश कुमार का बड़ा बयान, बोले हिंदू राष्ट्र की बात बताकर हम देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश में हर धर्म के लोग रहते हैं, गांधी के बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस पर स्मृति ईरानी का पलटवार, का हिंदुस्तान पर हमला स्वीकार नहीं, कांग्रेस ने भी दिया साथ, सोरोस ने कहा था मोदी हटेंगे तो भारत में लोकतंत्र आएगा। 40 दिन के भीतर बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा की विदाई, देना पड़ा इस्तीफा। कानपुर देहात में मां बेटी की जलने से मौत के मामले में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति पूर्व सांसद का शर्मनाक बयान, बोले महिलाओं को अंदर खुद को आग लगाने की टेंडेंसी होती है। शिवसेना विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मामले को बड़ी बेंच में भेजने की फिलहाल जरूरत नहीं, मामले में मेरिट के आधार पर करेंगे विचार, 21 फरवरी को अगली सुनवाई। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर कंजर्वेटिव ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन का बयान, कहा डॉक्यूमेंट्री प्रोपेगेंडा वीडियो। जमीन विवाद की वजह से यूपी के बलिया में दबंग ने बुजुर्ग महिला को पीटा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। झारखंड के पलामू में हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण, इंटरनेट सेवाएं 19 फरवरी को सुबह 10 बजे तक रहेंगी स्थगित। दिल्ली के भजनपुरा में 2 गुटों के बीच जबरदस्त फायरिंग, शादी से लौटते वक्त पड़ोसी से गाड़ी पार्क करने को लेकर हुई लड़ाई, 2 लोग जख्मी, 1 गिरफ्तार। यूपी बोर्ड की परीक्षा का आज दूसरा दिन, परीक्षा के पहले दिन 4 लाख छात्रों ने परीक्षा को छोड़ा, पहले दिन अलग अलग जिलों से पकड़े गए 9 छात्र। राजस्थान के अजमेर में गैस टैंकर ट्रेलर में भिड़ंत हुई है, विस्फोट के बाद आग का गोला बने टैंकर और ट्रेलर, 4 लोग जिंदा जले, हाईवे किनारे बने 10 मकान भी आग की चपेट में आए। गाजियाबाद के लोनी में सचखंड नानक धाम के प्रमुख परम संत त्रिलोचन दास जी बोले कोई भी समाज और देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि वहां शांति स्थापित ना हो। हर ओर बम बम बोले के जयकारे, महाशिवरात्रि के पहले बड़ी तादाद में हरिद्वार पहुंचे कांवड़िए, कल है महाशिवरात्रि। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी, जमान पार्क मामले पर घर पहुंची लाहौर पुलिस, हजारों की संख्या में पीटीआई समर्थक भी मौजूद हैं। पाकिस्तान में पालतू तेंदुए ने मचाया कोहराम, इस्लामाबाद में पिंजड़े से बाहर निकला तेंदुआ, हमले में 1 की मौत, 3 जख्मी, रिटायर्ड जनरल अकरम रजा ने पाल रखा था तेंदुआ। टर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप से मरने वालों का लगातार बढ़ रहा आंकड़ा, अब तक 41,000 से ज्यादा की मौत हुई है।